आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल के बारे में। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसके बारे में और मजीद पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि सेल के बारे में हमें पता कैसे चला। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। उन्होंने कॉर्क के थिन स्लाइसेस काटे और उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, जो कि उन्होंने खुद बनाया था। और सेल के बारे में जितनी भी उनकी फाइंडिंग्स थी उनको उन्होंने माइक्रोग्राफिया के नाम से एक मैगजीन में जारी किया। व्हाट डिड ही फाइंड आउट? ही डिस्क्राइब्ड सेल एज एम्प्टी स्पेसेस बाउंडेड बाय थिक वॉल्स, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि एक खाली जगह है जिसकी साइड पे सिर्फ थिक वॉल्स हैं। अब ये इतनी बड़ी डिस्कवरी थी सेल की कि बहुत अरसे तक इसके बारे में मजीद कुछ बात नहीं की गई। फिर 19th सेंचुरी में दोबारा इंटरेस्ट पीक हुआ सेल के बारे में और लॉरेंस ओकन ने 1805 में एक स्टेटमेंट दिया इन विच ही बिलीव्ड ऑल लिविंग बींग्स ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स और सेल्स, यानी कि तमाम जानदार सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसी बात को मजीद 1809 में जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने कुछ इस तरीके से प्रपोज किया दैट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सेलुलर टिश्यू एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स और देयर फॉर्मेशन, यानी कि जिंदगी एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक के उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं जब तक के वो सेल से बनी ना हो। इसके बाद एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू हुआ 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, ही केम अप विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इस डिस्कवरी ने रॉबर्ट हुक की जो प्रीवियस डिस्कवरी थी इन 1665 उसको चैलेंज किया, बिकॉज ही स्टेटेड दैट सेल इज एन एम्प्टी स्पेस, बट रॉबर्ट ब्राउन सेड सेल इज नॉट एन एम्प्टी स्पेस, इट हैज़ अ सेंट्रल न्यूक्लियस। देन इन 1838 जर्मन बॉटनिस्ट श्लाइडन एंड इन 1839 जर्मन जुअलॉजिस्ट थियोडर श्वान, दे केम अप विद द सेल थियरी। द सेल थियरी स्टेट्स दैट सेल हैज थ्री बेसिक कॉम्पोनेंट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? वो फ्लूइड जिसके अंदर न्यूक्लियस है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज द आउटर थिन कवरिंग ऑफ सेल। सेल वॉल इज ऑल्सो एन एडिशनल स्ट्रक्चर विच इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स। इस सेल थ्योरी के नतीजे में ये पता चला कि सेल्स आर नॉट जस्ट प्रेजेंट इन प्लांट्स बट ऑल्सो इन एनिमल्स। सेल थ्योरी से क्या मालूम हुआ कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। लेटर इन 1855 रूडोल्फ विर्को, ही प्रपोज दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ओनली थ्रू द डिविजन ऑफ एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, जिसका मतलब ये है कि जितने भी नए सेल्स तश्कील होंगे वो तमाम मौजूदा सेल्स से ही बनेंगे। इसको उन्होंने इस तरीके से स्टेट किया, ओमनस सेलुला ई सेलुला, विच मीन्स सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब ये जो स्टेटमेंट थी इसने जो प्रिवेलिंग कॉन्सेप्ट था ए बायोजेनेसिस का उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया। ए बायोजेनेसिस की वजह से ये जाना जाता था कि लिविंग सेल्स कैन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। रूडोल्फ विर्को की इस स्टेटमेंट को 1862 में लुइस पाश्चर ने एक्सपेरिमेंट्स के साथ कंक्लूड किया। लुइस पाश्चर डेमोंस्ट्रेटेड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया कुड ओनली ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया एंड ही प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स फॉर इट। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज को भी रेकमेंड कीजिए।